राम राम भाइयों, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से कार चलाना सिखाऊंगा। आपने YouTube पे बहुत वीडियो देखे होंगे, ये सबसे अनोखा रहेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। जयपुर में झड़ लगी हुई है बरसात की, ये देखो बारिश हो रही है। ये अपने वाइपर भी चल रहे हैं, अपनी गाड़ी के वाइपर भी काम करते हैं और झड़ लगी हुई है लगातार 5 दिन से, रिमझिम रिमझिम बरसात आ रही है। चलो ये तो दूसरी बात, आपको मैं कार चलाना सिखाता हूँ। कुछ भाई है जो पैसे खर्च करते हैं, कार स्कूल वाले को पैसे देते हैं और सीखने जाते हैं। 15-20 मिनट सिखाएगा और उतार देगा, डेली के डेली 15-20 मिनट की राइड देगा आपको और उतार देगा। थोड़ा बहुत नॉर्मल सा सीखे और चलो छुट्टी, पैसे ऐंठ लेगा। जब तक खुद की गाड़ी खुद के हाथ से नहीं चलाओगे, जब तक कभी भी कार चलाना ठीक से नहीं आएगा आपको। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो और बहुत मजेदार वीडियो रहेगा, आनंद की फुल अनुभूति होगी आपको। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा जरूर देखना। बारिश भी हो रही है, वीडियो भी बन रहा है, आनंद मिल रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि यहाँ पे हम चाबी लगाते हैं और उस चाबी को घुमा देते हैं, उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और ये गियर होता है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गियर और एक उल्टी चलाने के लिए रिवर्स, पीछे चलाने के लिए गाड़ी को, क्योंकि मोटरसाइकिल को तो हम धक्का मार के पीछे कर लेते हैं, कार को नहीं कर पाते, इसलिए रिवर्स करना पड़ता है। और देखो पैरों में देखेंगे तो पैरों का क्या सिस्टम है, ये तो क्लच होता है, बीच वाला ब्रेक होता है, कार में केवल एक ही ब्रेक होता है, और ये लास्ट वाला है, ये एक्सीलेटर है, रेस है ना, ये ब्रेक है, इसको हम दबाएंगे ना कार रुक जाएगी। एक ही ब्रेक है चारों पहियों को कंट्रोल करने के लिए, ये क्लच है, इसको दबा के हम गियर लगाएंगे और ये रेस है, इसको दबाने से गाड़ी हमारी आगे भागेगी। ये समझ गए, गियर का समझ गए। अब सबसे पहले तो आपको कोई भी, जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो क्या करना होगा, जब भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले इसको न्यूट्रल पे रखना होगा। देखो न्यूट्रल, ये अभी पहले गियर में ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का कैसे पता चलेगा, ऐसे हिला के देखेंगे तो ये न्यूट्रल हो गया। इस गलियारे में अभी ऐसे ऊपर करेंगे, पहला लग गया, ये नीचे दूसरा लग गया, फिर ये गलियारे में आ गया, फिर ये ऊपर तीसरा, बीचों बीच ये चौथा, और पांचवा लगाना है तो इधर करके ऐसे कर दो, तो ये पांचवा। तो न्यूट्रल रखो सबसे पहले, न्यूट्रल का पता चल जाएगा, ऐसे नाचेगा गियर। कर लिए, अब आप डायरेक्ट बिना डरे स्टार्ट कर दो। अगर न्यूट्रल रहेगी तो गाड़ी कहीं भी नहीं भागने वाली। ये हमने स्टार्ट कर दी, पता नहीं आपको स्टार्ट करने की आवाज आई कि नहीं आई, क्योंकि मेरी गाड़ी VIP है, बहुत कम आवाज करती है, इसलिए हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट करेंगे और पहले गियर में गाड़ी को चलाएंगे। तो उसके लिए पहला गियर लगाने से पहले, जैसे बाइक में हम क्लच दबा के फिर गियर लगाते हैं ना, वैसे ही क्या सिस्टम है, ये हम क्लच को दबा दिए, पूरा दबा रखा हूं इसको, और ये पहला गियर लगा दिए, ये लग गया पहला गियर। अब क्लच को छोड़ा नहीं हूं अभी मैं, क्लच ऐसे कैसे दबा रखा हूं, और दूसरा पैर बहुत दूर है, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा ही नहीं मैं, दूसरा पैर दूर है, क्लच दबा रखा हूं। अब क्या है, हम क्या गलती करते हैं, देखो हम गलती क्या करते हैं, हम क्लच को छोड़ते हैं और रेस को बढ़ाते हैं, उससे कई बार क्या है कि गाड़ी अचानक आगे भागती है और ठुक जाती है, यही खतरा रहता है ना। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ, जो एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्या ट्रिक है ये, देखो ये जो रेस है ना, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से थोड़ी बहुत तो रेस आती है। देखो आपको दिखाऊं, अभी मैं रेस पे से दूर पेर कर रखा हूं ना, उसके बाद भी ये देखो 1000 RPM फिर भी आ रहा है इसमें, ये 1000, 2000, 3000, 4000 ये RPM है इस साइड आपके उल्टे हाथ की तरफ, ये RPM आ गया उल्टे हाथ की तरफ। तो ये है RPM, 1000 RPM पे चल रही है, जबकि रेस अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल टच भी नहीं कर रखे इसको, फिर भी 1000 RPM पे चल रही है, इंजन घूम रहा है, इसका मतलब हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना। इतनी देर से क्लच को दबा रखा हूं, गियर हम पहला लगा रखें, क्लच को दबा रखें, रेस को छूना भी नहीं है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, तो गाड़ी चलने लग जाएगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से थोड़ी बहुत रेस आगे से ही आती है, तो हमें रेस को छेड़ना ही नहीं है। जब शुरुआत करोगे ना आप सीखने की, तो आप रेस से दूरी बना के रखो, बस हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा और गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो मैंने इसको क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, ये देखो धीरे धीरे छोड़ा और गाड़ी हमारी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है, ये देखो चलना शुरू हो गई, चल रही है गाड़ी, ये देखो अब दिखेगी आपको, साइड का कोना दिखाता हूँ, दिख रही है ना, चल रही है गाड़ी धीरे धीरे। और नीचे देखोगे ना, बिल्कुल क्लच भी पूरा छोड़ दिया, रेस भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और गाड़ी आराम से चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये देखो चल रही है गाड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे सारे पैर अपने दूर है, पैरों को बिल्कुल दूर कर रखे हैं, कोई भी आगे आएगा तो क्लच को और ब्रेक को धीरे धीरे दबा देंगे। देखो ब्रेक को धीरे धीरे दबाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी,
क्लच को दबाएंगे तभी फ्री हो जाएगा इंजन और इससे रोक लेंगे, इतना ही काम है बस। रेस को छोड़ेंगे, रेस को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं अपन। शुरू के दो चार घंटे ऐसे ही चलाओ, रेस से बिल्कुल दूरी बना के रखो और बस केवल क्लच को काम में लो। ये देखो क्लच दबाया, रुक गई, फिर क्लच को छोड़ा और गाड़ी चलना शुरू। ना ही तो कोई बंद होने का झंझट और गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, ना ही कोई ठुकने का झंझट कि यार अचानक आगे भागेगी और ठुक जाएगी। देखो आराम आराम से चल रही है ना, और खाली एरिया में चलाओ। और फिर जब आप आधा एक घंटा डेढ़ घंटा गाड़ी चला लोगे तब थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होगा ना, फिर आप हल्का हल्का रेस पे भी पैर रखना शुरू करो। कैसे? थोड़ा थोड़ा दबाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो गाड़ी थोड़ी तेज स्पीड में जाएगी। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा दबाया तो गाड़ी स्पीड बढ़ गई, ये देखो और तेज कर लिया और तेज कर लिया, भागने लग गई गाड़ी, देखो है ना। ये करना आपको एक घंटा, मतलब शुरू का एक घंटा तो आपको केवल क्लच से चलाना है, रेस को छूना ही नहीं है। फिर अगला एक घंटा आप थोड़ा थोड़ा रेस को दबाना सीखोगे और स्पीड बढ़ाना शुरू करोगे, गियर पहला ही रखोगे। और फिर तीसरे घंटे में क्या करोगे, क्लच को चलती गाड़ी में क्लच को पूरा दबाया और सेकंड गियर लगाया। ये देखो फर्स्ट है ना, तो हमने ये सेकंड लगा दिया और फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ा तो ये सेकंड गियर में चलने लग गई। ऐसे ही फिर थर्ड गियर लगाया और क्लच को छोड़ा, धीरे धीरे थर्ड गियर में चलने लग गई। ऐसे आप चार पांच घंटे गाड़ी पे वर्क करोगे ना, पहले दिन ही आपको चलाना आ जाएगा। बस आगे की थोड़ी समस्या रहेगी, ठुक नहीं जाए तो बस सेंटर देख के चलाओ। अगर बीच में 10 फीट की जगह है तो बिल्कुल जो सेंटर है ना 5 फीट वाला बिल्कुल बीचों बीच वहां से निकालो और शुरुआत में कोशिश करो कि बिल्कुल खाली एरिया में चलाएं। रेलगाड़ी जा रही है, देखो भारतीय रेल है ये, भारतीय रेल, कितने डिब्बे हैं इसके अंदर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 डिब्बों वाली ट्रेन है। चलो जाने दो बिचारी को। अरे भाई यार तू बड़ा, वो ये सांड बाबा आ गया आगे, एक पाकिस्तान का खान बाबा, एक ये सांड बाबा। तो आप है ना इस तरीके से आराम से गाड़ी चलाना सीखो। पहले घंटे में केवल क्लच, रेस को छूना भी नहीं है। दूसरे घंटे में धीरे धीरे रेस को टच करना है, गियर नहीं लगाना। और तीसरे घंटे में गियर लगाना सीखना है। गियर कैसे लगाएंगे, क्लच दबाओ, गियर बदलो और वापस क्लच को धीरे धीरे छोड़ो और रेस को टच ही मत करो। और जब गाड़ी लुढ़कने लग जाए उसके बाद थोड़ी थोड़ी रेस दबाना शुरू करो। ऐसा करेंगे ना मजा आ जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। और खाली एरिया में चलाओ, झंझट नहीं है 1% भी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत नॉलेजफुल है, बहुत अच्छी बात बताई है मैंने। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पहले सीखना उसके बाद लाइक करना, पहले कोई भी लाइक नहीं करेगा नहीं। अच्छा।